तो फ्रेंड्स, क्या आप भी ये एसी लेना चाहते हैं? और ये एसी लेने से पहले आप ये वीडियो पूरा देख लो। ये वाला जो रेड वाला एसी है, क्या होता है, मतलब कैसा होता है, अब इस वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा। और आप कौन सा एसी लेने वाले हो वो भी कमेंट करना, और इस एसी के बारे में आप सोच रहे थे लेने के लिए तो ये भी बताना कमेंट करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है कि ये रेड वाला जो एसी है, 30 एम्पियर एसी है, जो काफ़ी मतलब प्रचलित फेमस बोल सकते हो, जो भी बिगनर्स होता है सबसे पहले यही खरीदता है एसी रेड वाला। और येलो वाला शायद थोड़ा कॉस्टली आता है, तो आप समझ सकते हो कॉस्टली क्यों आता है वो। और इसका मतलब मैंने एक्सपीरियंस है एक साल पहले, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था अपना i22, तो मैंने यही लिया था। लेकिन उस टाइम मैंने 1400 KV का मोटर लिया था, तो वो क्या है, 18-20 एम्पियर लेता है आराम से वो फुल थ्रॉटल पे उसका एम्पियर। तो मैंने क्या है कि उसमें 8 इंच प्रोप ना लगा के मैंने 6 से 7 इंच प्रोप कर दिया था उसको कट करके, तो काफ़ी मतलब मुझे अच्छा परफॉर्मेंस मिला था और मतलब काफ़ी अच्छा फ्लाई हुआ था। लेकिन बहुत ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब ये 30 एम्पियर ले लेते हैं लेकिन इसके साथ 2200 KV मोटर ले लेते हैं, जिसके वजह से समझ सकते हो कि ये मतलब 2200 KV का जो मोटर रहता है वो ज़्यादा ही करंट खा देता है, तभी तो इतना ज़्यादा उसका स्पीड रहता है। तो उसका मिनिमम कम से कम रहता है 20 पल्स ही रहता है, 20-25 रहता है। और ये रहा 30 एम्पियर एसी, 5 ही ज़्यादा एम्पियर इससे ज़्यादा मतलब ये एसी है, समझ सकते हो जितना वो ले रहा है उसे 5 ही ज़्यादा है। तो क्या होता है, ये ज़्यादा ही हीट करता है, पहला बात तो ये ज़्यादा हीट करता है। और दूसरा बात कि अगर गलती से भी अगर किसी चीज़ से टकरा जाए और वहीं पे अगर प्रोपेलर रुक गया तो बस ईएसी जलता है। और ये ईएसी ऐसा है ना रेड वाला कि ये अगर जलेगा तो साथ साथ मोटर का भी जला देगा, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो समझ सकते हो आप लोग, मतलब ये जलेगा खुद पर खुद, लेकिन तू मतलब ये समझ ना ऐसे कि मुझे कुछ हुआ तो मैं तेरे को भी लेकर जाऊँगा, ऐसा मतलब बात है इस ईएसी में। तो क्या है कि मतलब ये थोड़ा कम पैसा मिल जाएगा लेकिन इससे मतलब काफ़ी डर रहता है कि अगर ये जला तो मोटर भी जलेगा, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है तो समझ सकते हो। और ये इस F22 में जो मैंने लगा रखा है वो 2200 KV के साथ लगा रखा है, और जैसे मतलब मैं फ्लाई करता हूँ तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम तो बूस्ट पर आराम से चलता है, बस 10 सेकेंड के अंदर ही उसका पूरा RPM लो हो जाता है और एसी हीट हो जाता है। क्यों होता है, तो वही एम्पियर ज़्यादा ले रहा है और ये चल नहीं पा रहा है क्योंकि ये 30 एम्पियर है। ये एसी जो है ना सिर्फ हम 1400 KV तक मतलब नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, सही देता है, 1000 KV करे तो और अच्छा है। 1400 KV मोटर से अपर वर्जन का मोटर सब यूज़ करने लगे हाई KV का तो ये नहीं चलने वाला, इसके साथ आपको 40 एम्पियर लेना पड़ेगा। और 40 एम्पियर जब ले रहे हो तो कोई ब्रांडेड ले लो, क्योंकि ये 30 एम्पियर जानिए सिमोंग का, इसमें भी ब्रांडेड आता है लेकिन अब जो बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि थोड़ा कम में बन जाए तो सही रहेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं जो हमें मतलब ना चाहते हुए लेना ही पड़ेगा बिगिनर्स हो तो भी, क्योंकि यही सब मेन है, अगर थोड़ा भी ख़राब होगा तो वो बहुत ज़्यादा लॉस लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब ये रेड वाला एसी मत लेना, इसमें येलो वाला आता है वो ले लेना, तो ले के लेकिन ये नहीं कि 2200 KV यूज़ कर लेना मोटर, उसके साथ भी 1400 KV 1800 KV यूज़ करना, लेकिन वही कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा संभाल के, क्योंकि ये रेड वाला एसी बिल्कुल मत लेना, ये ज़्यादा ही ख़राब होता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे पास एक रेड वाला एसी है, यहाँ पे देख सकते हो इसका मॉस्फेट तुरंत जल जाता है। और क्या होता है, मतलब एक बार मैं इसका मॉस्फेट वगैरह जल गया था तो मैंने चेंज करके जैसे फ्लाई किया तो ब्लास्ट हो गया हवा में ही, प्लेन में मतलब छेद हो गया था पूरा, बीच से पूरा गल गया था इसका फोम। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो प्लेन है F22, ये वैसे मैं एक भाई के लिए बना रहा हूँ ये फ्रेम के, तो आप भी अगर बनवाना चाहते हो तो बताना, मैं डेप्रो से तो सस्ता ही दूंगा मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे रेड वाला लगा है पूरा सिमोंग का 30 एम्पियर एसी, और यहाँ पे 2200 KV के साथ 6 इंच प्रोप लगा है। और तो समझ सकते हो मैं इसे फ्लाई तो कर पाता हूँ लेकिन वही टेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका जो 30 एम्पियर एसी है इसके कारण मैं मतलब सही से परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहा। मैं दिखाता हूँ आपको एक वीडियो, देखो आप कि मतलब मैं फुल थ्रॉटल पर जाते जाते ही करता हूँ कि बस वहाँ पे इसका RPM लो हो जाता है, एसी बहुत हीट हो जाता है, तो ऐसे में थोड़ी टेस्ट हो पाएगा। तो वही है, देखो आप पहले वीडियो देखो भाई, कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैंने बैटरी फुल चार्ज कर रखी है और देखना भाई क्या क्या ही स्पीड इसका कमेगा। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को हो सकता है कुछ बता दिया हो नॉलेज ऐसा जो आप लोग गलती कर रहे हो, यानी कि आप अगर ESC ले रहे हो
अभी ये रेड वाला तो आप अब ना ले, येलो वाला ले लेना। काफ़ी मतलब मैंने भी देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि मतलब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो येलो वाला ले लेना अगर ले सकते हो तो। लेकिन मैं तो बोलूँगा आप अगर कोई ब्रांड पर जाना चाहते हो तो रिलेटिव स्काई कर ले लेना। मेरे 40 एम पर काफ़ी यूज़ किया है और मैं तो मतलब उसको भी हगा देता हूँ, मतलब समझ रहे हो। मेरे पास दो ये रिलेटिव स्काई का 40 एम पर ESC है, मैंने उसको पूरा मतलब ओवरलोड दे रखा है। मैंने फनजेट यहाँ पर देखा आपने, मैंने इससे पहले फनजेट का वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, तो उसमें देखना आपका इतना ज़्यादा स्पीड है, वो मेरा वाइंड क्या होगा मोटर स्पीड है। तो मुझे 50 एम पर यूज़ करना चाहिए था, लेकिन वही मैंने 40 एम पर यूज़ किया, मेरे पास तो था ही नहीं, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है 50 एम पर, तो समझ सकते हो आप लोग। आई होप गाइस, तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो रही होगी अब तक की शायद। आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं बहुत मुश्किल से बना पाता हूँ वीडियो, समझ रहे हो कितना दिन पर आ रहा है मेरे वीडियो सब। तो आप लोग सपोर्ट करो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बनाते रहिए आरसी प्लेन्स।